गद्दारी मत कीजिए, आपकी तरह नहीं है, गद्दारी मत कीजिए, कांग्रेस से तो की, पाटीदारों से मत कीजिए, कांग्रेस से तो की, पाटीदारों से मत कीजिए। अगर नौकरी नहीं मिली है तो नहीं मिली है, ये वादा खिलाफी है पाटीदार समाज के सामने, और इसका जवाब इस चुनाव में मिलेगा। अरे आपको याद होता था पार्टी नहीं ज्वाइन करते भाई साहब, आपको मालूम होता कि इतने सही होते तो वो पार्टी में नहीं जाते, राजनीति छोड़ देते आप। दोस्तों बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़े से बड़े कांड, बड़े से बड़े कुकर्म भी धुल जाते हैं, ऐसा विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है। लेकिन ये सारे आरोप कितने सच हैं, कितने झूठे हैं, वो तो खैर विपक्ष ही जाने, लेकिन हार्दिक पटेल जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के कर्मठ नेता हैं और पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं, आओ भगत में लगे हुए हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। दरअसल जब तक हार्दिक पटेल बीजेपी में नहीं गए थे तब तक वो सत्ताधारी पार्टी से, सरकार से ऐसे सवाल दागते थे जैसे मिसाइल। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो रूप आपने हार्दिक पटेल का कांग्रेस में देखा था अब बिल्कुल उसके विपरीत नजर आता है। पहले बेरोजगारी पर सवाल होता था, बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की बात होती थी, बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात होती थी, महंगाई पर सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल किया जाता था। लेकिन जब से बीजेपी का दामन थामा है तब से सवाल तो नहीं होता लेकिन विपक्ष का जवाब जरूर देना पड़ जाता है, और जवाब ऐसा देना पड़ता है जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। और ऐसा ही नजारा देखने को मिला है एक टीवी शो की डिबेट में, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने हार्दिक पटेल को ऑन स्क्रीन ऐसा जो है सवाल किया, ऐसा उनको सवालों के घेरे में जकड़ा, एक ही सवाल बार बार पूछकर सीधा तौर पर उनकी बोलती बंद कर दी और ऐसा लताड़ा कि हार्दिक पटेल जवाब तक नहीं दे पाए और बस मैं करते रह गए। और आखिर में उन्होंने जो इल्जाम लगाना था वो इल्जाम भी लगा दिया और सारा का सारा जो काला चिट्ठा था वो मढ़ दिया राहुल गांधी के नाम पर। मतलब कोई भी डिबेट हो, कोई भी शो हो, कोई भी आरोप हो, वो बिना राहुल गांधी के कंप्लीट होता ही नहीं है। बिना चाहे वो राहुल गांधी की टी शर्ट हो या फिर उनकी फोटो की बात हो, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, हर किसी में राहुल गांधी का पॉइंट निकालना जरूरी है। और इसीलिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता सवाल पूछ रहे थे बेरोजगारी पर कि आप बेरोजगारी बताइए कितनों को जो है नौकरी मिली है, नौकरी मिली, रोजगार मिला, लेकिन नहीं, इन सब का जवाब देने की बजाय हार्दिक पटेल साहब ने यह कह दिया कि आपको राहुल गांधी बस एक शब्द बता देते हैं, बेरोजगारी, बस आप उसी को रटते रहते हैं। अब भाई ये कोई बात हुई क्या? मतलब आपने पार्टी बदल ली तो क्या आपकी वजह से जज्बात और लोगों का जो माहौल था, लोगों की जो परेशानियां थी वो सब बदल गया? आपके लिए चीजें बदल गई क्या? तो सबके लिए नहीं बदली ना। वही सारे सवाल जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहे गए और एक भी जवाब जो है वो हार्दिक पटेल की तरफ से नहीं दिया गया। जब बाकायदा मौका दे दिया गया कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से कि हाँ ठीक है अब आप बोलिए, आप जो है जवाब दीजिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर हार्दिक पटेल ने क्या जवाब दिया जिसके बाद एंकर साहब भी हंसने लगे और पब्लिक तो मजे ले ही रही थी। देखिए ये वीडियो। अब हार्दिक पटेल का ऐसा रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जब तक कांग्रेस में तब तक शेर की तरह दहाड़ते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आ गए, जैसे ही उन्होंने बीजेपी का हाथ पकड़ा, उसके बाद न जाने क्या हो गया। अब कुछ भी बताने की जरूरत है क्या कि अब क्या हो गया? एक सवाल का जवाब भी हार्दिक पटेल नहीं दे पाए और सारा का सारा ठीकरा जो था वो फोड़ दिया राहुल गांधी पर, सीधा सीधा कांग्रेस पर सारा ठीकरा फोड़ दिया, जिस कांग्रेस की वजह से हार्दिक पटेल को उनकी पहचान मिली, उनको लोग जानने लग गए, उनको एक
बड़े नेता के तौर पर लोगों के बीच में पहचान मिली और लोगों के बीच वो ऐसा चेहरा बनकर उभरे कि उनके नाम से लोगों ने पहचानने लगे। उसी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीकरा था एक बेरोजगारी वाले सवाल का वो फोड़ दिया और कह दिया कि आपको राहुल गांधी एक शब्द बता दिए हैं, बेरोजगारी, आप बस उसी को लेकर लटके हुए हैं, आप वही रट लगाए हुए हैं। ये जो है वो हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर लाइव टीवी पर बोल दिया। आपको बता दें कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन के बाद हार्दिक पटेल को एक नई पहचान मिली थी। इस पूरे आंदोलन का जो पूरा नेतृत्व किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये आंदोलन हुआ था, जिसके बाद हार्दिक पटेल अपने आप को जो आज एक बड़ा नेता कहलाते हैं वो बनकर उभरे थे। कांग्रेस पार्टी के कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया, उस पार्टी को छोड़ दिया जिस पार्टी ने चलना सिखाया। हार्दिक पटेल आपको बता दें साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़ने से पहले 28 साल के पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक लंबा चौड़ा खत था वो लिखा, ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, चिट्ठी लिख दी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। अब ये जो है वो त्याग पत्र लिखा गया इनकी तरफ से और बताया गया कि अभी तक मैं गुजरात के लिए कुछ नहीं कर पाया था, जबकि पाटीदार आंदोलन के चलते इनका नाम सुर्खियों में आया, लेकिन फिर भी इनको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया और इन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए लिखा कि अब मैं सकारात्मक रूप से कुछ गुजरात के लिए कर पाऊंगा। अपने त्याग पत्र में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए और पार्टी को छोड़ दिया। फिलहाल ये तो रही कांग्रेस छोड़ने की बात, लेकिन इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। वो अगर आप जान लेंगे ना तो पूरी की पूरी कहानी आपको सीधे और साफ लफ्जों में समझ आ जाएगी, वो भी सुन लीजिए। पटेल आपको बता दें आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दूसरा 2015 में दर्ज किया गया, UAPA देशद्रोह का मुकदमा, और अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से ये केस दर्ज किया गया। पुलिस ने हार्दिक पटेल के 2 करीबी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। हार्दिक पटेल ने जो है 28 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने सारे के सारे जो काम थे, जो कांड किए थे उन्होंने, सारे जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए थे उन सब से खुद को बरी करवाने का काम कर लिया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने यह भी दावा किया कि पाटीदार नेता को डर था कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल हो जाएगी, इसलिए उन्हें किसी, यानी साफ तौर पर उनका इशारा था कि भाजपा की तरफ की शरण में जाने की जरूरत महसूस हुई है हार्दिक पटेल को। यह साफ तौर पर आरोप लगाया गया हार्दिक पटेल पर और कह दिया गया कि अपने कर्मों को और अपनी जो उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जो UAPA का केस लगा हुआ था, उन सबको हटवाने के लिए, उन सबको धुलवाने के लिए वो BJP में गए और उन्हें जाने की जरूरत महसूस हुई। हार्दिक के खिलाफ अब क्या क्या मामले थे वो भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि राजनीतिक करियर को कैसे प्रभावित किए इन सारे मामलों ने वो सुनिए। साल 2015 से 18 के बीच कम से कम 30 FIR में हार्दिक पटेल को मुख्य आरोपी के रूप में बता दिया गया। इनमें से 7 मुकदमे 2015 में गुजरात में पाटीदार समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर हुए और आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे, जिसमें दंगा और देशद्रोह जैसे कई आपराधिक अपराधों के लिए हार्दिक पटेल को आरोपी बना दिया गया। हार्दिक पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पाटीदार आंदोलन में कथित आंतरिक विवादों के लिए हार्दिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो सरदार पटेल के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रकाश पटेल की शिकायत पर हार्दिक के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अगस्त 2015 में महसाड़ा के काडी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाकी मामलों में 2016 में सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन में जेल अधिनियम के तहत हार्दिक पटेल के खिलाफ एक और मामला ठोक दिया गया।
जब उन्हें अदालत की सुनवाई में पेशी के लिए विसनगर ले जाया गया था तो उनकी जेब से एक मोबाइल फोन, चार्जर, बैटरी और पत्र की बरामदगी हुई। इस मामले का निपटान 2017 में सूरत JMFC द्वारा कर दिया गया। हार्दिक के मुताबिक फिलहाल उनके खिलाफ जो है वो 23 केस चल रहे हैं, यानी 2015 के पाटीदार आंदोलन से जो ये पूरा का पूरा मामला निकला था, चाहे वो देशद्रोह का मामला हो या फिर हार्दिक पटेल की छवि और ज्यादा ऊंचा उठने का मामला हो, ये दोनों ऐसे मामले हैं जो एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड नजर आते हैं। और अब जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी उस पहचान को छोड़ दिया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, तो कई तरह के सवाल उन पर उठे और आज वो जिस तरह से बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक सवाल तक का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो आप लोगों के सामने है। और सारे के सारे जो सवाल कांग्रेस में रहते हुए दागा करते थे वो मिसाइलों की तरह आज वो टाए टाए फिर नजर आ रहे हैं। और एक सवाल का जवाब देने में उन्होंने कम से कम 2 से 2.5 मिनट का वक्त लगा दिया और ये भी नहीं बता पाए कि आखिर उसका जवाब क्या है। और ये बोल गए कि नहीं, जो पढ़ा लिखा होगा उसी को नौकरी मिलेगी ना, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आजकल MBA चाय वाला, उसके अलावा कचौड़ी वाले, कोई चाय वाले के अलावा कोई पकौड़े वाले, सब MBA या फिर किसी और की जो डिग्री है वो लेकर के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या ये लोग भी पढ़े लिखे नहीं है? इन लोगों के पास भी डिग्री नहीं है? तो सीधा सीधा जो सवाल है या फिर आप ये कह लीजिए कि जो अंदाज है हार्दिक पटेल का, वो यही है कि जब तक आप विपक्ष में बैठे हुए थे तब तक आप सवालों की बौछार कर रहे थे और जैसे ही आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े वैसे ही सारे के सारे जो सवालों के जवाब हैं वो आपके कहीं गायब हो गए और एक भी जवाब आपके मुंह से निकलता हुआ नजर नहीं आया। जिसका जो जीता जागता उदाहरण है वो आपने अभी डिबेट के रूप में देख लिया, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो किस तरह से हार्दिक पटेल को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एक बार तो बता दीजिए कि आखिर किसको रोजगार मिला है, किसको नौकरी मिली है। अब हार्दिक पटेल के इस बदलते हुए जो अंदाज है और बदला हुआ जो रूप है, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको कैसी लगी ये डिबेट की जो क्लिप हमने आप दिखाई वो ये भी जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।